माय यूट्यूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस बड़े फैसले का और साथ ही साथ ए को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसके बारे में सारी बातें करने वाले हैं तो ए परीक्षा को लेकर के जो डेट को लेकर के जो अनिश्चितता चल रही थी वो अब टलता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ए आई बी सेवनटीन की परीक्षा जो है बहुत जल्द हो सकती है उसके बाद से बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने जो रिप्लाई दिया है उससे भी अब ये आसार लगने लगा है कि जो ए आई बी सेवनटीन का पुराना शेड्यूल जारी किया गया था उसी पर फिर से विचार किया जाएगा तो सारी बातें क्या हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या 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 कहा है बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने क्या रिप्लाई दिया है इस वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं नए ज्वाइन किए हुए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और जो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कहा है और दिल्ली हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या रहा है बी के द्वारा जो ए एग्ज़ाम आयोजित की जाती है उसके बारे में तो हम सबसे पहले ये जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्री सेट शेड्यूल रखने पर विचार करें दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन यानी कि एआईबी की अगली निर्धारित तिथि के बारे में सूचित करने का कर निर्देश दिया यानी कि जो अगली निर्धारित तिथि है उनके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना मांगी है कि आपकी जो ए एग्ज़ाम कराने की अगली तारीख है वो क्या है यह एग्जाम पिछली बार तीस अक्टूबर दो को आयोजित की गई थी पिछले साल के बाद से ये परीक्षा नहीं हुई है अक्टूबर के बाद से जस्टिस जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बी को ए के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर विचार करने के लिए भी कहा ताकि द्विवार्षिक एग्ज़ाम की तारीखों के बारे में अनिश्चितता को हल किया जा सके और अस्थायी रूप से नामांकित तो वकील तदनुसार तैयारी कर सकें इस बात को ध्यान में रखते हुए ए एग्जाम पिछले साल अक्टूबर के बाद आयोजित नहीं की गई अदालत ने स्पष्ट किया कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन नियमों के नियम नाइन ऐसे वकीलों के मामले में लागू नहीं होंगे जो अपनी अस्थाई सनत के बाद दो साल की अवधि के भीतर अपने एग्ज़ाम को पास करने में असमर्थ रहे हैं यानी कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप जो है दो साल के अंदर ए एग्ज़ाम नहीं कर पास कर पाते हैं तो आपको जो है ए एग्ज़ाम में तो आपको जो है वकालत करने से रोक दिया जाता है लेकिन इसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि इन दो सालों के भीतर अगर आपका जो है दो साल का शेड्यूल जो टेन्योर है वो पूरा हो जा रहा है तब भी आपको जो है प्रैक्टिस से नहीं रोका जाएगा इस बात को ध्यान में रखते हुए ए एग्ज़ाम पिछले साल अक्टूबर के बाद आयोजित नहीं की गई अदालत ने स्पष्ट किया कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन नियमों के नौ नियम ऐसे वकीलों के मामले में लागू नहीं होंगे जो अपनी अस्थायी सनत के बाद दो साल की अवधि के भीतर अपने एग्जाम को पास करने में असमर्थ रहे हैं नियम कहता है कि एडवो एडवोकेट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन के तहत नामांकित कोई भी वकील तब तक प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि ऐसा वकील बी द्वारा आयोजित ए एग्ज़ाम सफलतापूर्वक पास नहीं कर लेता एग्जाम को केवल वकील द्वारा पास किया जाना है जो दो वर्षों के भीतर अस्थायी रूप से नामांकित है यानी ऐसे रोकेस्ट के द्वारा जो है पास करना अनिवार्य होता है जिसका नामांकन जो है दो वर्षों के लिए अस्थायी तौर पे होता है टेम्पोरली होता है अदालत ने 19 नवंबर 2019 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में नामांकित वकील निशांत खत्री द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी उनकी यह दलील है कि ए आई बी का एग्ज़ाम नहीं देने के कारण उन्हें अदालतों में प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका जो है टेन्योर दो साल का जो होता है अस्थाई नामांकन के बाद दो साल तक की अवधि के लिए आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है इन दो सालों के भीतर आप जो है बी द्वारा एआईबी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते हैं लेकिन अगर एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पा रहे हैं दो साल में तो आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाता है तो चूँकि पिछले साल से जो है अक्टूबर से लेकर अब तक जो है एग्ज़ाम आयोजित नहीं हुआ है तो इस बीच बहुत सारे लोगों का जो दो साल का टेन्योर था वो ख़त्म हो गया था और उनको अदालतों में जो है प्रैक्टिस करने से रोक दिया गया था उसी मामले को लेकर के एक वकील है निशांत खत्री ये जो है दिल्ली कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाए थे जस्टिस सिंह ने एग्ज़ाम के आयोजन में देरी पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि याचिका याचिकाकर्ता वकील को अपने अस्थायी रजिस्ट्रेशन पर भरोसा करने और अगले आदेश तक अदालतों में पेश होने से वंचित आयोग घोषित नहीं किया जाएगा यानी कि वकील साहब को जो है प्रैक्टिस करने से अगले आदेश तक अब तक जो है रोक नहीं लगाया जाएगा अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दो याचिकाकर्ता ने दो अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जिसमें दर्ज किया गया कि एग्ज़ाम नवंबर 2022 में आयोजित की जाएगी चूँकि पिछले साल एग्ज़ाम आयोजित नहीं किए गए इसलिए याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि उसे प्रैक्टिस नहीं करने के कारण प्रैक्टिस से वंचित न किया जाए दूसरी ओर बी सी आई से पेश वकील ने कहा कि एग्ज़ाम आयोजित करने में एजेंसी बदलने के कारण ए आई बी संचालन में देरी हुई है हालांकि वकील ने अदालत से कहा कि उनकी अधिसूचना जल्द ही जारी होने की संभावना है यानी कि जो ए आई बी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी जारी होगी क्योंकि ए आई बी के जो वकील हैं उन्होंने इस बात का जो है इस बात को कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में अदालत के इस प्रश्न पर कि उन वकीलों की स्थिति क्या होगी जो एग्ज़ाम नहीं होने का होने के कारण दो साल के भीतर ए आई बी देने में असमर्थ हैं और क्या वे प्रैक्टिस करने के लिए हकदार होंगे वकील ने कहा कि वह मामले में उचित दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे तो इस तरीके से जो है हो सकता है बहुत जल्द ए आई बी का जो नोटिफिकेशन है आ जाए अदालत ने कहा कि जहां अस्थायी नामांकन की तारीख से दो साल के भीतर एग्ज़ाम पास करना होता है वहीं बड़ी संख्या में वकील जिनकी दो साल की अवधि समाप्त हो रही है या इस साल समाप्त हो जाती है उस खतरे का सामना करते हैं कोर्ट ने सुप्री कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 अगस्त को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि बीसीआई ने बयान दिया कि 15 दिनों के भीतर कोर्स प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद तीन महीने के भीतर एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बी ने खुद कहा था कि पंद्रह दिनों के भीतर जो है जो है वो सिलेबस प्रकाशित करेंगे और तीन महीनों के भीतर जो है एग्ज़ाम आयोजित कराएंगे लेकिन अब तक एग्ज़ाम नहीं हो सका है अदालत ने आदेश दिया कि बीसीआई द्वारा ए के संचालन की अगली तारीख देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए यानी कि ए की जो एग्ज़ाम होगी कब होगी उसका तारीख बताया जाए और इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल किया जाए बी बीसीआई को ए के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर भी विचार करना चाहिए ताकि अनिश्चितता का समाधान किया जा सके और अस्थायी रूप से नामांकित एडवोकेट तदनुसार ए में उपस्थित होने की तैयारी कर सकें मामले की सुनवाई अब 6 जनवरी 2023 को होगी यानी कि इसके पूर्व भी पूर्व में भी जो ए आई का सिलेबस घोषित किया गया था ए आई के द्वारा उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने बी से कहा कि उस पर भी इनको विचार करना चाहिए अब मामले की सुनवाई जो है छः जनवरी को होगी और इस बीच जो है ए के एग्ज़ाम के बारे में डेट के बारे में पूरी जानकारी जो है कोर्ट को बताना होगा बी को तो इस तरीके से बहुत जल्दी यानी जल्दी का मतलब यह है कि जनवरी में जो है ए का नोटिफिकेशन आ सकता है या दिसंबर के लास्ट में भी आ सकता है तो उम्मीद है कि आप सब जो है ए आई बी में बैठेंगे जल्दी अभी तो इसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है अभी तक उसका डिलीवरी नहीं हुआ है अभी तक जजमेंट नहीं आया है तो उस जजमेंट में क्या है इसको भी देखने की ज़रूरत है कि उसमें क्या फैसला आता है लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बी को आदेश दिया है कि ए एग्ज़ाम के संचालन की तारीख बताया जाए और 6 जनवरी को जिस तरीके से ये केस को फिर से सुनने के लिए लगाया है तो उम्मीद है कि 6 जनवरी के पहले जो है ए एग्ज़ाम को लेकर के कुछ निर्णय आ सकता है तो देखते हैं क्या निर्णय होता है जैसे ही इस बारे में कोई अपडेट्स मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊँगा तो जुड़े रहिए चैनल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद